Hey, what's up guys, Indian Sense here. Welcome back to not another episode of Ninja World. Welcome back to new episode of something else. Anyways, so in this video, I'm just cooking a recipe, which it is not my original recipe. I have watched like many videos in the past 1.5 years when the lockdown was going on and I was alone and I was cooking. So I have combined all those recipes and I came up with this one and it tastes pretty good. And yeah. So, and also this video is gonna be in Hindi because I really don't know how to say the food cooking stuff in English, like saute and all. I won't be comfortable in English, so that's why it's in Hindi. But I will put English subtitles in the video so that everyone can understand. Also, yeah, this is my first time recording a cooking video and stuff, so please ignore all the editing mistakes and stuff and just enjoy the video. तो पहले तो ऐसा है कि तेल डालना है, ठीक है? नहीं, पहले गैस चलाना है, तेल नहीं डालना है. पहले गैस चला लेंगे. चालू हुई कि नहीं? नहीं हुई, हो गई. ठीक है, देखो गैस जल रही है. हाँ, फिर उस पर रखनी है कढ़ाई, जो भी हो तुम्हारे पास, ठीक है? फिर उसके बाद, अब देखो भाई, हमारे यहाँ तो सरसों का तेल चलता है, ब्रांड नहीं दिखाना. सरसों का तेल चलता है, तो सरसों का तेल, क्योंकि हम लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है, इसलिए सरसों का तेल है. पहले थोड़ा कढ़ाई गर्म होने देते हैं, फिर तेल डालेंगे. अभी नहीं डालते, थोड़ा डल गया, कोई बात नहीं. तो आप घी में भी बना सकते हो, आपके घर में मीठा तेल चलता है, मीठा तेल बना लो, वेजिटेबल ऑयल, जो भी हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. तो बेसिकली ये फर्स्ट प्रोसेस हम तेल में करेंगे, सेकेंड प्रोसेस हम घी में करेंगे. तो थोड़ा कढ़ाई गर्म हो रहा है, हो गया गर्म, थोड़ा तेल डाल सकते हैं. तो ज़्यादा तेल नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना, ऑलमोस्ट 1 चम्मच शायद, ठीक है? सरसों का तेल है तो थोड़ा ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, मीठा तेल जल्दी गर्म होता है, ये थोड़ा देर में गर्म होता है. तो फ्लेम हमने फुल रखी है, मैं पता नहीं, फुल, इसको फुल ही कहते हैं शायद. तो फ्लेम फुल रखी है, तेल गर्म हो रहा है, थोड़ा देर गर्म होगा. तो पहले हम डालेंगे इसमें खड़े मसाले, तेल गर्म हो चुका है. अब खड़े मसाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे पास थोड़े ही हैं, बिकॉज हम लोग ज़्यादा तीखा खाते नहीं. तो इसमें मेरे पास है लौंग और काली मिर्च, 2-3 लौंग हैं, 4 काली मिर्च हैं. इसको हम डालेंगे तेल में, थोड़ा तेल तेज कर दें. फिर ये एक बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची डाल दी, थोड़ी देर इसको पकने देते हैं. जब तक मैं बता देता हूँ और क्या क्या डलेगा. अब डलेगा देखो प्याज, 2 प्याज है, छोटे वाले, ज़्यादा बड़े नहीं है. थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, 1 हरी मिर्च, इसकी जगह आप लाल मिर्च भी यूज़ करते हैं, बड़ी हमारे पास है नहीं. और 2 छोटे टमाटर, ये तीखे के हिसाब से एडजस्ट करना है, 1, 2, 3 जितना तीखे खाते हो, हम लोग कम खाते हैं, तो हमने 1 यूज़ करी. और ये हमारे पास 10 काजू, 1, 2, 3, हाँ 10 काजू हैं, 9 है शायद, हाँ ठीक है. तो अब हाँ, तेल गर्म हो गया, मसाले सिक रहे हैं, हाथ से नहीं करना है, स्पैचुला से करना है, ठीक है? अब ये हो रहा है, थोड़ा इसको जला दे यार, एग्जॉस्ट जला ले, बहुत धुआं होगा. अब इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन, जो हमने काट के रखा है. काटने की जरूरत नहीं है लहसुन को, क्योंकि एट द एंड हमको इसको पीसना ही है. प्याज टमाटर भी ज़्यादा फाइनली चॉप करने की जरूरत नहीं है, थोड़े बड़े भी काटोगे तो भी चलेगा, ठीक है? बेसिकली हम तो, हमारे पास वो कटर है तो उससे जल्दी कट जाता है, जैसे हम काट लेते हैं, आलस नहीं आता. बाकी अगर आपको आलस आता तो थोड़े बड़े भी कट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. अब क्या है, अदरक लहसुन थोड़ा ना टाइम लगता है पकने में, तो आई गेस तेल थोड़ा गर्म है तो अपन आधा मिनट पका सकते हैं, 30 से 40 सेकेंड में हो जाएगा अदरक. फिर हम उसके बाद डालेंगे हरी मिर्च, भी डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हरी मिर्च, लाल मिर्च, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तीखा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ये हरी मिर्ची बहुत तीखे है, हमने जो इस बार आई है घर पर, तो हम इसलिए 1 ही डाल रहे हैं, नहीं तो यूजुअली 2 डालनी पड़ती है. आप लोग देख लेना जैसा भी लगे, मुझे नहीं मालूम, ठीक है? थोड़ा वेट करते हैं पकने का, थोड़ा अदरक लहसुन पकने लग जाएगा तो थोड़ा कलर चेंज हो जाता है उसका, अभी तो नहीं पका है. तो अदरक लहसुन हो गया है, अब हम डाल देते हैं इसमें प्याज,
काजू हम इसलिए नहीं डाल रहे हैं अभी बिकॉज काजू जल जाएंगे, तो इसलिए काजू ना प्याज थोड़ा पक जाएगा फिर डालेंगे काजू। काजू क्या थोड़ा ना जल्दी जल जाता है स्पेशली तेल वेल में, तो थोड़ा प्याज पक जाए फिर काजू डालेंगे ताकि काजू जो अपना जले नहीं। ये मैं धीरे धीरे करके सीखा था, पहले से नहीं मालूम था मुझे, पहले मैं सब कुछ पटक देता था फिर सब काला हो जाता था बट दो तीन बार बनाने के बाद समझ में आया कि गलती कर रहे हैं, है ना। तो गैस का फ्लेम थोड़ा सा जो है मीडियम कर लेते हैं, मीडियम से हो जाए। प्याज को थोड़ा ना ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि अपन को पीस नहीं है। इसमें मैं डाल रहा हूँ अब काजू, ठीक है, अदरक लहसुन अच्छा पिक गया, आपको दिख रहा होगा ब्राउन ब्राउन। अपन ना गैस को थोड़ा पास खींच लेते हैं, दूर है देखो। काजू भी डाल दिए मैंने, काजू थोड़े से सेकने, ज्यादा नहीं, गैस कम कर सकते हैं चाहो तो। बेसिकली ये है जितना अभी पका लोगे ना तो फिर वो अपन जब पीस के फिर इसको जब बनाएंगे ना सब्जी तो उसको फिर कम पकाना पड़ता है, तेल ज्यादा, तेल बहुत कम पीता है फिर ये सब्जी। नहीं तो अगर आप एक पहले वैसे बनाओगे ना जैसे कि इसको अलग पीस के और टमाटर अलग पीस के तो बहुत तेल पीता है फिर सब्जी। हम लोग क्या थोड़ा तेल वेल कम खाते हैं, अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम पहले सेक लेते हैं फिर पीसते हैं। निंजा टेक्निक है ये, तेल बचाने की निंजा टेक्निक, ठीक है। ये काजू वाजू थोड़ा सा हो गया, ज़्यादा पकाने की जरूरत है नहीं। इसमें हम डाल देते हैं अब टमाटर, ये दो टमाटर हैं छोटे छोटे, टमाटरों को जल्दी पकाने के लिए जो है इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं, नमक का थोड़ा ध्यान रखना, बाद में भी डालना है तो हिसाब से डालना, उससे ही डाल रहा हूँ जितना टमाटर ज़रूरत है पकने के लिए, बाकी नमक बाद में डालेंगे। तो टमाटर में नमक डाल दिया है, अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे पानी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, और इसको ढकने वाला काम गया, पानी को जो है मिक्स करके और ढक देंगे। तो ये थोड़ा सॉफ्ट होने तक वेट करेंगे अपन, तो सिम पे पकाओ, ज़्यादा तेज गैस पे पकाएंगे तो जल सकता है, तो लो गैस पे ही इसको थोड़ा पकने देंगे, आई गेस 3-4 मिनट पक जाना चाहिए। तो 3-4 मिनट हो चुके हैं, ये हो गया होगा थोड़ा ऐसा ऐसा दिख रहा होगा कुछ, मतलब सब जो है मुशी मुशी हो गया, सब मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है। तो इसको क्या करना है गैस बंद, और इसको जो है हमें गर्म है तो पहले कपड़ा लेना एक तो इसको पकड़ना है, इसको हमें क्या करना है ना, इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, तो फैन के नीचे या जहाँ भी इसको रखना है, 4-5 मिनट 6 मिनट में ठंडा होगा। ठंडा इसलिए करना है क्योंकि अपन इसको पीसेंगे, तो पीसेंगे तो अगर गर्म पीस देंगे तो वो बाहर आ जाता है सब कुछ, तो दिक्कत हो जाती है, मैं कर चुका हूँ इसलिए मत करना, ठंडा होने देना फिर अपन इसको पीसेंगे, अपन इसको वेट करते हैं ठंडा होने का, ठंडा हो जाएगा फिर बनाएंगे। तो अब ये हो चुका है ठंडा, क्योंकि मैं इसमें हाथ लगा पा रहा हूँ, ठंडा हो गया, ठीक है। तो इसको क्या करना है हमको, इसमें से ना पहले तो जो बड़ी इलायची है ना इसको निकाल दो, इसका जो काम था वो इसने कर दिया, बड़ी इलायची निकाल दी, बाकी सब पिस जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बड़ी इलायची पिस जाती है बट ठीक है यार थोड़ा सही रहता है। तो अब इसको हमें जो है एक ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफर करना है, पता नहीं ये कैसे बिना गिरे इसमें चला गया, पहली बार होता लाइफ में, ये तो हमेशा गिर जाता है बाहर, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है शायद इसलिए, जो भी है इसको हमने कर लिया है इसके अंदर ट्रांसफर, वो कुछ भी नीचे नहीं गिरा,
सो नाइस. अब इसको क्या करना है, पीसना है. तो पीसने पानी वानी डालने की जरूरत नहीं है, पहले ऐसे ही पीसेंगे. तो पीसते हैं, तो दिखा दो. तो पीसने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा. तो इसमें क्या करना है हमको कि अभी ये थोड़ा थिक है, थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डालना. फिर एक बार इसको और पीसना, तो थोड़ा स्मूथ पेस्ट बन जाएगा इसका. ठीक है, इसको थोड़ा ना टाइट लगाना, और पता नहीं आपके पास कौन सा जार है, बट थोड़ा टाइट लगाना, नहीं तो बाहर आ जाएगा. तो अब थोड़ा जो है स्मूथ पेस्ट आ गया, वो थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा वो नहीं है, थिक नहीं है, थोड़ा सा लिक्विडी सा हो गया ये. तो ऐसा चाहिए अपन को. अब अपन क्या करेंगे ना, इसी कढ़ाई, दूसरी कढ़ाई ले सकते हो, ऐसी ये ले सकते हो, मैं ऐसी को लूँगा. इसको थोड़ा पानी से धो लूँगा, फिर बनाते हैं. अब वही कढ़ाई सेम वापस, थोड़ा इसको जो है धो लिया था पानी से ऐसे, तो थोड़ा गर्म करेंगे इसको. वेट करेंगे कि थोड़ी कढ़ाई गर्म हो जाए, हाई फ्लेम पे कर सकते हैं, जब थोड़ी कढ़ाई गर्म हो जाए. अब इसमें मैं डाल रहा हूँ घी. अब आप चाहें तो घी में सब कुछ कर सकते हो, या तेल में, या फिर जो है जो भी आप यूज़ करते हो घर में, मुझे नहीं मालूम, तो जो चाहे वो यूज़ कर लो. मैं घी यूज़ करता हूँ, क्योंकि घी से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है. तो तकरीबन आई गेस इसमें ये चम्मच छोटी है, तो ये आधा चम्मच ही हुआ ऑलमोस्ट. तो इसमें ऑलमोस्ट जो है एक चम्मच घी डल जाएगा. थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. 1.5 स्पून ऑफ घी. ठीक है, अब घी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई गेस क्लैरिफाइड बटर बोलते हैं, जितना मुझे मालूम है, बट ठीक है. तो ये है घी. घी हमने ले लिया है ऑलमोस्ट 1.5 डेढ़ चम्मच, 2 चम्मच, चम्मच के अकॉर्डिंग. वो चम्मच छोटा था इसलिए 1.5 चम्मच. अब घी थोड़ा गर्म करेंगे, घी जल्दी गर्म हो जाता है, ज़्यादा गर्म करोगे तो जल जाएगा. तो गर्म हो गया है, अब इसमें हमें डालना है थोड़े से मसाले. मसाले में सबसे पहले डलेगा जीरा. तो जितना आपको ठीक लगता है, 1 चम्मच, आधा चम्मच जीरा डाल दिया. घी में डाल दिया है जीरा. अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से और मसाले. हल्दी डालेंगे, हल्दी कलर के अकॉर्डिंग, ज़्यादा मत डाल देना, तो हल्दी हल्दी का टेस्ट आएगा. तो आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा आधा चम्मच जो है ये रेड चिली, ये ज़्यादा तीखा नहीं है, ये कश्मीरी वाला है, तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, हम कम ही डालते हैं. तो आधा चम्मच ये डाल देंगे, और धना जो धनिया पाउडर होता है वो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं. ठीक है, थोड़ा बहुत मसाले अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ऐसा नहीं, हमारा टेस्ट थोड़ा अलग है इसलिए. तो अब जो है मसाले, फ्लेम लो रखनी है, ये ध्यान रखना है, मसाले जल जाते हैं बहुत जल्दी, घी गर्म है इसलिए फुल फुल फ्लेम पे मत बनाना ज़्यादा, वो बहुत जल्दी पक जाएंगे मसाले, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा 1-2 घंटे पकना नहीं, जरूरत नहीं है, आधा मिनट में मसाले पक जाते हैं. ठीक है, आपको स्मेल आने लग जाएगी, मसाले पक रहे हैं तो समझ जाना, लो फ्लेम है अभी, कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा सा पका लेते हैं इसको, आई गेस 10-15 सेकेंड्स, तेज मत करना, पका लेना स्लो पे. अब जो है हमको डालना है ये जो हमने पेस्ट बना के रखा है, ठीक है, ध्यान से डालना, ये नहीं तो आपको जो है लगना जाए. डालते डालते इसको मिक्स करते जाओ तो सही रहता है. अब इसमें जो है और भी चीज़ें डलती हैं, बट वो ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने डाली नहीं. जैसे कि आप चाहो तो इससे पहले इसमें शिमला मिर्च, प्याज अगर डालना चाहो तो, बट इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एक्स्ट्रा स्टफ है, कभी कभी डाल देते हैं, कभी कभी नहीं भी डालते, चलता है. ठीक है, तो इसको जो है मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है. अब ये जार में अभी इसको, इसका ऐसा नहीं है इसमें लगा रह गया, तो इसमें हम कुछ करेंगे, अब इसमें पानी डालेंगे. तो ये जो हमारी ग्रेवी है जार में, अभी हम डालेंगे पानी, तो इसको जार को साइड रखो. अभी ये जो ग्रेवी है ये हमारी ऑलमोस्ट बन रही है, अब तो हमने मसाले में मिक्स कर दिया. तेज़ नहीं करना है इसको, स्लो पे ही रहने देना फ्लेम,
जल जाएगा बोलना। ठीक है, तो इसमें हमने सो कर दिया है, इसमें हम लेते हैं थोड़ा सा पानी। इसमें जार में पानी डाल दिया, वेस्ट नहीं करना है हमको कुछ भी, तो इसमें थोड़ा पानी हो गया ना, तो अब ये जो पानी है ये हम इसमें डाल देंगे। पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से रखना है, ग्रेवी ज़्यादा पतली चाहिए तो पानी ज़्यादा डाल देना, ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा थिक चाहिए तो पानी कम डाल देना। मेरा फिक्स हो रखा है एक अमाउंट, मैं उतना ही डालता हूँ, मेरा दो लोग हैं, दो लोग के हिसाब से मैं इतना ही डालता हूँ पानी, ये है सीन। अब बात आती है कि ग्रेवी पकेगी कैसे, तो सबसे पहले तो इसमें नमक ज़रूर डाल दो, ये नमक हमने बस टमाटर में डाला था याद हो अगर आपको, तो नमक अभी भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं जब पनीर डालेंगे, बट मैं भी डाल दे रहा हूँ कि अभी इसमें कुछ सॉलिड नहीं है तो नमक जो है अच्छे से मिक्स हो जाएगा। नमक क्या है मुझे आइडिया रहता नहीं, मैं अभी अंदाजे से डाल देता हूँ, बाद में खाते टाइम नमक कभी भी ज़्यादा डाल सकते हैं, नमक कम हो चलता है, नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी अंदाजे से मैंने ऑलमोस्ट आई गेस आधा पौना चम्मच डाल दिया है नमक, और ये ग्रेवी जो है तो इसको हमें क्या करना है, पकाना है। पकाएं कैसे, इसको छोड़ देंगे इस पर और इसको ग्रेवी को हम कर देंगे आई गेस मीडियम फ्लेम पे और इसको ढक देंगे। अब इसको देखते रहना, ऐसा नहीं कि इसको तुम छोड़ दो, देखते रहना, आई गेस 2 से 3 मिनट तक लगेगा, फिर अपन फिर चेक करेंगे। तो थोड़ा सा ग्रेवी जो है पकने लग गया है, इसको ज़्यादा इसलिए नहीं पकाना पड़ा बिकॉज अपन पहले पका चुके थे, फिर पका के पीसा है तो अब ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसको पकाने की। ठीक है, तो अब इसमें क्या करा, 1-2 मिनट पकाने के बाद इसमें मैं जो है थोड़ा सा पनीर जो है ना ग्रेट करके डालूंगा, जिससे क्या होगा ग्रेवी ना थोड़ा उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाती है। तो ये बाद में भी डालते हैं गार्निश करते टाइम, बट पहले भी डाल देते हैं सही रहता है। तो जो है थोड़ा सा पनीर, ज़्यादा नहीं, बहुत कम पनीर जो है मैंने ग्रेट करके डाल दिया है, तो मिला लो। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जैसी मुझे चाहिए थी वैसी है, ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाड़ी है। तो अब जो अपना पनीर इसमें मिक्स हो चुका है, अब हमें क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर ये आपके पास नहीं है तो ये नहीं बनेगा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पनीर। तो पनीर ऑलमोस्ट 200 ग्राम है, इसमें से मैंने थोड़ा सा पनीर ग्रेट करने के लिए साइड कर दिया, थोड़ा सा उसमें डाल चुका हूँ, बाकी तो ये 200 ग्राम पनीर है, इसको जो है छोटे बड़े जैसे भी आपको पीसेस पसंद हो वैसे करके डाल देने का। मैंने इसको स्क्वायर, ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप्स में काटा है, इसको थोड़ा बचा लेंगे वो ग्रेट करने का काम आएगा बाद में। पनीर इसमें डल गया है, तो थोड़ा नमक टेस्ट कर लेते हैं। नाइस, सही है, नमक सही डाला मैंने, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, वापस से जो है 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के थोड़ा पनीर को जो है ग्रेवी थोड़ा एब्जॉर्ब करने देते हैं, फिर आप स्टेप करेंगे, ऑलमोस्ट डन है पनीर। तो अब जो है वो गैस को 1-1.5 मिनट हमने लो फ्लेम पे पनीर और ग्रेवी को साथ में पका लिया, लो फ्लेम पे ही पकाना है नहीं तो नीचे चिपक जाएगा। तो देखो बढ़िया लग रहा है देखने में, तो टेस्ट में भी सही लगा, मैंने भी टेस्ट किया था। ठीक है, तो अब फाइनल स्टेप्स क्या है, चाहो तो फ्लेम बंद कर दो, मैं प्रेफर करता हूँ बंद कर दूँ। ठीक है, फ्लेम बंद कर देते हैं, इसमें हमें डालना है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा आप अपने हिसाब से, बट मैं इतने डालूँगा, थोड़ा सा गर्म मसाला, हम लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं इसलिए कम डाल रहा हूँ, और
एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये गलत है, ये वो नहीं है जो मैं सोच रहा था। पैकेट सेम था, देखा कहाँ गया वो, ये सेम पैकेट था। सीक्रेट इंग्रेडिएंट है कसूरी मेथी। अब ये ऑप्शनल है, बट अगर है अवेलेबल आपके पास तो आप डाल, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इससे। क्योंकि डंडी वंडी थोड़ी तोड़ देता हूँ, पत्ती पत्ती रखी है, थोड़ा सा इसको जो है हाथ से ही ऐसे ऐसे कर देना है, ज़्यादा नहीं डालना नहीं तो कड़वा हो जाएगा पनीर, तो इसलिए कम ही डालना। थोड़ा सा जो है इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं और इसको ऐसे मिक्स करके, गैस बंद कर चुका हूँ मैं, ठीक है, तो ऐसे मिक्स करके ढक दो। ढकना इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज वो जो कसूरी मेथी का फ्लेवर है ना वो पूरे में ट्रैप हो जाएगा। तो इसको बस थोड़ा वेट करते हैं, फिर अपन को गार्निश कर देंगे और अपना पनीर रेडी। सो फाइनल पनीर हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है। थोड़ा सा इसके ऊपर जो है हमने पनीर ग्रेट करके डाल दिया एक्स्ट्रा जो मैंने बचाया था, एंड या सो ये बनाया हमने। So that all it guys for the video, and I hope you enjoyed the video, and I will recommend you try this recipe, and let me know in the comments what do you think of this, and also if you want me to make more such videos like cooking and stuff, then I will try to make more of them, and yeah, I will see you next time. Sayonara.